भाई हो, सारे छोटे बड़े भाई अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपके परिचय दासू राजपूत। आज डे टू है, चल रहे हैं कार्डियो करने। आज डे टू है, मॉर्निंग के 4:30 बजे। चलिए चलते हैं, रास्ते का नज़ारा दिखाते हैं आपको और आपसे बात करते हुए फिर चलते हैं ग्राउंड में, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सामने दुर्गा पंडाल लगा हुआ कंदवा पोखरे पे, ठीक है? फाइनली भाइयों जंगल में फिर से पहुंच गए। आज दूसरा दिन है को, तो पर डे 4:30 बजे ग्राउंड में मिलने का वादा किया है, तो पर डे मिलेंगे, ठीक है? आप लोग भी साथ में मेरे उठिए और मॉर्निंग को अच्छा बनाइए जॉगिंग से, कार्डियो से, जिससे हो सके उससे। तो चलिए थोड़ा देर टहल लेते हैं, फिर उसके बाद रनिंग करते हैं, ठीक है? चलिए सबसे पहले रनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रनिंग स्टार्ट करने के बाद फिर वर्कआउट लगाएंगे। वर्कआउट की लोकेशन थोड़ा सा चेंज करके दिखाएंगे, लेकिन रनिंग यहाँ पे करेंगे, ठीक है? तो चलिए रनिंग करते हैं पहले 2-3 राउंड। तो भाई ये फर्स्ट वर्कआउट था, डिफरेंट पुशअप अलग एंगल से। सेकंड वर्कआउट करेंगे हम लोग पुशअप, फिर डायमंड पुशअप, जो कि चेस्ट और शोल्डर और ट्राइसेप तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए कुछ देर बाद फिर मिलते हैं आपसे। सुबह सुबह कुछ ऐसा नजर जा रहा है, ये ट्रैक बना हुआ टहलने के लिए। सेकेंड सेट सपाटा का, किसी और कहो ना, ये थर्ड वर्कआउट है सबका, एक एक सेट। तो भाइयों मैंने वर्कआउट कार्डियो जंगल में कर लिया था, और जैसे वीडियो शूट करना शुरू किया वैसे लाइट चली गई, ठीक है? तो चले हैं सुर सरोवर में सपाट लगाएं और डिप्स लगाएं, एक एक सेट लगाए हैं। अगर आप लोग ट्राई कर सकते हैं तो 4 सेट ट्राई कर सकते हैं उससे, क्योंकि मेरा शाम को चेस्ट वर्कआउट है, तो उसकी वजह से मैं चेस्ट को ज़्यादा ट्रेंड नहीं किया, क्योंकि डिप्स सपाट तो चेस्ट पे ही आता है, तो थोड़ा कम किया हूँ। आज शाम को मेरा चेस्ट वर्कआउट है, तो चलिए अब सीधा मिलते हैं शाम को
चेस्ट वर्कआउट में जो जो करेंगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको, उसको सीधा चलते हैं घर। भाई मेरे बचपन का दोस्त जयप्रकाश, ऑक्सीजन की कमी लग रही है हवा लेते हुए। कौन से मुनि जयप्रकाश खींचे थे? अनुलोम विलोम। नहीं नहीं, ये कौन से मुनि पानी पी गए थे समुंदर? अस्त मुनि। तो ये अस्त मुनि सेकेंड है जो कि सरोवर का पानी खींचने वाले हैं। जिम पहुंच गए हैं, आज मेरा चेस्ट वर्कआउट लगाएंगे और सबका केवल लास्ट सेट दिखाएंगे, मतलब हर वर्कआउट का लास्ट सेट दिखाएंगे, क्योंकि वैसे भी अगर एक सेट लगाने में 30 से 40 सेकंड लग रहा है तो 2-3 मिनट की वीडियो ये हो जाएगी, और सुबह की जो वीडियो थी वो 5 मिनट की है। तो सबका एक एक सेट दिखाएंगे, जितना भी वर्कआउट करेंगे सबका एक एक सेट दिखाएंगे। सीधा चलते हैं जिम में, आपको दिखाते हैं वर्कआउट। फाइनली भाई चेस्ट वर्कआउट का फर्स्ट वर्कआउट है, फ्लैट बेंच प्रेस, ठीक है, इसका लास्ट सेट है। चलिए लगाते हैं, सबका एक एक सेट ही दिखाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली भाइयों, ये चेस्ट वर्कआउट का सेकंड वर्कआउट है, इंक्लाइन डंबल प्रेस, ठीक है। इसके बाद आवाज म्यूट कर देंगे, गाना बज रहा है उसकी वजह से, तो 8 रैप निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए लगाते हैं। अच्छा फाइनली भाई, जब वीडियो बनती है तो 1-2 रैप एक्स्ट्रा ही निकल जाता है, 8 रैप बोले तो 9 या 10 रैप आया, मुझे काउंट नहीं किया, 9 से ऊपर ही आया, ठीक है। चलिए सीधा मिलते हैं थर्ड वर्कआउट की तरफ, ठीक है, वो भी एक सेट दिखाएंगे। तो फाइनली भाई, ये टेस्ट वर्कआउट का थर्ड वर्कआउट, ये लास्ट वर्कआउट है, सबके 4-4 सेट मैंने लगाया है, ठीक है। ये लास्ट है डंबल फ्लाइंग, आप इसको बेंच भी कर सकते हैं और केबल से भी कर सकते हैं। चेस्ट वर्कआउट का था, पंप देख सकते हैं चेस्ट का, ठीक है। 3 वर्कआउट किया मैंने, फ्लैट डंबल, फ्लैट बारबल कल, सॉरी फ्लैट बेंच, दूसरा लगाया मैंने क्लाइंट डंबल प्रेस, और तीसरा वर्कआउट लगाया है डंबल फ्लाइंग। ये 3 वर्कआउट रखा है, सबके 4-4 सेट, ठीक है, आप भी अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें, माता पिता प्यार करें, जैसे प्यार करें। जय हिंद, जय भारत। जीना है तो जिम जाइए और नशे से दूर रहें।